तथागत की जय हो। तुम स्वस्थ और ठीक हो, फिर भिक्षा क्यों मांगती हो? क्या भिक्षा मांगना तुम्हें अच्छा लगता है? हमारे माता पिता नहीं है, ना तो कोई सगे संबंधी ही है, इसलिए जगत का कोई बंधन भी नहीं है। हम विहार में रहती हैं और सामूहिक रूप से भिक्षा मांगती हैं, प्राप्त भिक्षा से ही भोजन ग्रहण करती हैं। पर मैंने तो सुना था बौद्ध मत में महिलाओं को प्रवेश नहीं होता। ये सत्य है, बुद्ध के समय में महिलाओं को विहार में प्रवेश नहीं था, परंतु उनके निर्वाण के पूर्व उनके मुख्य शिष्य आनंद ने उनसे विनती कर महिलाओं को दीक्षा देने की आज्ञा प्राप्त कर ली थी। एक पल रुकें, तुमने ऐसे अनोखे वस्त्र क्यों धारण किए हैं? तथागत तुम्हारा कल्याण करे। तथागत? तथागत तुम्हारा कल्याण करे। तथागत तुम्हारा कल्याण करे। तुमने सब कुछ उन्हें क्यों दे दिया? नियम ही ऐसा है मेरे पुत्र। तुम तो मेरे पितामह जैसे वृद्धा हो, तुमने उन्हें प्रणाम क्यों किया? तथागत तुम्हारा कल्याण करे। सुनो सुनो सुनो, यदि तुम में से कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे सम्राट के किसी कार्य के परिणाम स्वरूप कोई कष्ट अथवा क्षति पहुंची है, तो वह राज दरबार में आके अपना नाम लिखवा दे, सम्राट उसकी क्षतिपूर्ति अवश्य करेंगे। इसका अर्थ क्या है? क्या कहना चाहते हैं? याद है तुम्हें, पिछले युद्ध में अमृत का लड़का मारा गया था। अपने लड़के की मृत्यु पर माता पिता कितने दुखी हुए। वो एक समय का भोजन जिटाने के योग नहीं रहे और ना ही ऐसे कठिन समय पर किसी ने उनकी सहायता की। और आज सम्राट जब उनकी सहायता के लिए चिंतक है, तो क्यों ना उनको जाकर सूचित किया जाए, ताकि वो राज दरबार में जाए और सम्राट उनकी इच्छा पूर्ति करे। मैं युद्ध के समय मेरे पास भी दो अश्व थे, सैनिक आए मेरे दोनों अश्व हरण कर ले गए, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। मैं भी अवश्य जाऊंगा अवश्य क्षतिपूर्ति के लिए। बिल्कुल ठीक कहा, चलो चलते हैं। चलो, चलो सभी पंक्ति में क्रम से खड़े हो जाइए, सभी की क्षति की उचित पूर्ति की जाएगी, क्योंकि हमारे सम्राट किसी को अप्रसन्न और कष्ट में नहीं देखना चाहते। यहाँ प्रीतम बात सुन। अरे यहाँ यहाँ आओ, चलें और सम्राट से कहें कि पिछली रात एक सैनिक ने हमारी मुद्रा चुरा ली है। क्या मुद्रा चुरा ली? पिछली रात जब तुम वेश्यागिरी गए थे तो सब कुछ उसे लुटा दिया था। अरे पर ये सत्य मैं सम्राट को क्यों बताऊं? मैं तो यही कहूंगा कि एक सैनिक ने हमारा सारा धन चुरा लिया। क्या ऐसा निराधार सत्य तुम सम्राट के सम्मुख बोलने का साहस कर सकोगे? अरे मैं तो पहले से ही जानता हूँ कि हम लोगों को सम्राट के सम्मुख जाना ही नहीं है। शासन काय का अधिकारी ये कार्य देख रहा है, जब हम वहां जाएंगे तो वो हमारा नाम एक पुस्तिका पर लिखकर शीघ्र ही क्षतिपूर्ति कर देगा। पर मैं क्या कारण दूं? हाँ, तुम कहो कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारा सारा धन लेकर अपने प्रेमी के साथ भाग गई। पर इसमें सम्राट का क्या दोष? सम्राट का दोष ये है कि वो सैनिक जिसके साथ तुम्हारी पत्नी भाग गई है, अच्छा, सम्राट का ही सैनिक है, इसलिए दोष और दायित्व सम्राट का हुआ। पर मेरी पत्नी तो भागी ही नहीं। ओहो, तुम कारण तो बताओ, तब देखते हैं कि क्या होता है। आओ चलें। चल।